नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार एक छोटी सी कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है कूप मंडूक। एक कुएं में बहुत समय से एक मेंढक रहता था। वह वहीं पैदा हुआ था और वहीं उसका पालन पोषण हुआ। धीरे धीरे यह मेंढक उसी कुएं में रहते रहते मोटा और चिकना हो गया। अब एक दिन एक दूसरा मेंढक जो समुद्र में रहता था यहाँ आया और कुएं में गिर पड़ा। कुएं के मेंढक ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? इस पर समुद्र से आया मेंढक बोला, मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र, भला यह कितना बड़ा है? क्या वह भी इतना ही बड़ा है जितना मेरा यह कुआं? और यह कहते हुए उसने कुएं में एक किनारे से दूसरे किनारे तक छलांग मारी। समुद्र वाले मेंढक ने कहा, मेरे मित्र, भला समुद्र की तुलना इस छोटे से कुएं से किस प्रकार कर सकते हो? तब उस कुएं वाले मेंढक ने दूसरी छलांग मारी और पूछा, तो क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? समुद्र वाले मेंढक ने कहा, तुम कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो? समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से कैसे हो सकती है? अब तो कुएं वाले मेंढक ने कहा, जा, मेरे कुएं से बढ़कर और कुछ हो ही नहीं सकता। संसार में इससे बड़ा और कुछ नहीं है। झूठा कहीं का, अरे इसे बाहर निकाल दो। यह कठिनाई हमेशा से रही है। सबके अपने छोटे छोटे कुएं हैं। सब बात तो बड़े बड़े समुद्रों की करते हैं, परंतु अपने छोटे छोटे कुओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। शूद्र को छोड़े बिना आप विराट को नहीं समझ सकते। विराट असीम है। जो सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर सकता है, वही विराट को समझ सकता है। कुएं का भी अपना महत्व है, परंतु कुआं सीमित है, समुद्र असीम है। सब कुछ उसमें समा जाता है, तो भी वह शांत बना रहता है। अब निर्णय हमने करना है। किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता छोटे छोटे कुएं हैं और आध्यात्मिकता समुद्र है। सांप्रदायिक व्यक्ति झगड़ता है, जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति प्रेम बांटता है, सबको अपना समझता है। सारा विश्व उसके लिए परिवार है। कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और यदि कहानी को आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल बटन भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी डालूं, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। ऐसी ही किसी दूसरी मोटिवेशन कहानी के साथ आपसे फिर मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।